Good morning, class third. Let me start it. Chapter 7, Housing and Clothing. We all need house to protect ourselves from bad weather conditions, harmful animals and enemies. We feel happy and safe in our house. हम सभी को एक अच्छे घर की आवश्यकता होती है. क्यों होती है? क्योंकि एक जो हाउस होता है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? बैड वेदर कंडीशन, जो मौसम, बुरा मौसम कंडीशन होती है, जो वेदर कंडीशन चेंजेस होती है उससे हेल्प प्रोटेक्ट करता है. हार्मफुल एनिमल्स, जो हार्मफुल एनिमल्स है उनसे और जो एनिमीज है उनसे भी वो प्रोटेक्ट करता है. वी फील हैप्पी एंड सेफ इन अवर हाउस. हम अपने घर में अपने आप को बहुत खुश और सेफ फील करते हैं. In cities, people live in pakka house. जो लोग सिटीज में रहते हैं वो कौन से हाउस में रहते हैं? पक्का हाउस. जो उनका घर होता है वो पक्का हाउस कहलाता है. They are made of bricks, cement and steel. ये किसका बना हुआ होता है? पक्का हाउस bricks, cement and steel से बना हुआ होता है. They are strong house. ये एक strong house होता है. In village, people live in kachcha house. जो लोग गांव में रहते हैं उनके जो घर होते हैं वो कच्चा हाउस कहलाता है. They are made of mud, straw and sticks. ये किसके बने हुए होते हैं? मर्ड, स्ट्रॉ और स्टिक से बने हुए होते हैं. They are neither strong nor long lasting. ये ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं और लॉन्ग पीरियड तक ड्यूरेबल नहीं होते हैं. In cold places, people live in igloos made of ice blocks. जो लोग कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं यानी ठंडे प्रदेश में रहते हैं वो लोग इग्लूज में रहते हैं. इग्लूज जो कि बर्फ से बने हुए होते हैं, बर्फ से बने हुए घर को इग्लूज कहते हैं. पीपल हु लिव हियर आर कॉल्ड एस्किमोज. जो लोग इग्लूज में रहते हैं उन्हें एस्किमोज कहते हैं. मोस्टली एस्किमो लोग जो रहते हैं वो इग्लूज में रहते हैं. इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, पीपल लिव इन हाउस मेड ऑन वुडन पोल्स कॉल्ड स्टिलाइट हाउस. जहाँ वर्षा बहुत होती है वहां के लोग जो घर है वो वुडन के बनाते हैं, लकड़ी के घर बनाते हैं, उन्हें स्टिलाइट हाउस कहते हैं. सम पीपल मेक हाउस ऑन अ बोट कॉल्ड अ हाउस बोट. कुछ लोग हाउस में ही अपना घर बनाते हैं उसे हाउस बोट कहते हैं. मोस्टली ये जम्मू कश्मीर जो इलाके हैं वहां पर हाउस बोट देखी जाती है. अब मैं आपको समझा देती हूँ, एक बार रिविजन करवाते हैं. हाउस, हाउस को डिवाइड किया पक्का हाउस, कच्चा हाउस, एस्किमोस, हाउस बोट. कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड स्टिक्स. पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील. और इग्लूज मेड ऑफ आइस ब्लॉक. देन हाउस बोट इज हाउस बोट में बने होते हैं. और प्लेस वेयर इट रेन्स वहां पर कैसे हाउस होते हैं? वुडन के हाउस होते हैं, उन्हें स्टेलाइट हाउस कहते हैं. पीपल हु रूम अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड नोमेड्स. दे लिव इन टेंट एंड कारवान. जो लोग वन प्लेस से दूसरी प्लेस में आते जाते रहते हैं उन्हें नोमेड्स कहते हैं. ये लोग जो घर बना के रहते हैं वो टेंट के बने होते हैं और कारवा वर्ग के बने होते हैं. इन्हें टेंट और कारवा कहते हैं. जो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं उन्हें नोमेड्स कहते हैं और ये टेंट्स और कारवा में रहते हैं. डिफरेंट हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल. अलग अलग घर अलग अलग मटीरियल से बने हुए होते हैं. सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, वुड, सीमेंट एंड स्टील. कुछ हाउस जो है ब्रिक्स से बने होते हैं, स्टोन, वुड, सीमेंट और स्टील से बने होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, पेज नंबर 52. फर्स्ट ब्रिक हाउस, सेकंड स्टोन हाउस, थर्ड इज वुडन हाउस एंड देन लास्ट सीमेंट एंड स्टील हाउस. द वॉल ऑफ हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल्स और मार्बल्स एंड देन गेट पेंटेड. जो इन घरों की दीवारें होती हैं वो ब्रिक्स से बनी होती है, सीमेंटेड होती है, टाइल्स होती हैं
और मार्बल से बने होते हैं और फिर उसके बाद में इनको पेंट किया जाता है। द डोर्स एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड ग्लास और मेटल। जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो लकड़ी कांच और मेटल के बने होते हैं। ग्लास अलाउ सनलाइट टू कम इन। ग्लास इसलिए लगवाते हैं ताकि जो सनलाइट है सूर्य की रोशनी है वो अपने घर में इजीली आ सके। सीलिंग आर मेड ऑफ थर्माकोल वुड और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो सीलिंग करवाते हैं घरों में वो मोस्टली किससे बनी हुई होती है? थर्माकोल की हो सकती है, वुड की हो सकती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी हो सकती है। फ्लोर्स आर मेड ऑफ सीमेंट मार्बल टाइल्स और वुड। जो फ्लोर्स हैं वो किसके बने होते हैं? सीमेंट के होते हैं, मार्बल के फ्लोर्स होते हैं, टाइल्स और वुडन के भी होते हैं। अ गुड हाउस, एक अच्छे हाउस में क्या क्या होना चाहिए, क्या जरूरत होनी चाहिए और किस तरह का होता है ये बताते हैं। अ गुड हाउस शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड जर्म्स फ्री। एक अच्छा घर क्या होता है? हमेशा क्लीन होता है और जर्म्स फ्री रहता है, उसमें कोई जर्म्स नहीं होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाउस, फर्स्ट पॉइंट, अ गुड हाउस शुड हैव विंडोज एंड डोर्स टू एंटर द सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन हाउस। एक अच्छे हाउस में क्या जरूरी होता है? विंडोज, खिड़कियां होनी चाहिए, डोर्स होने चाहिए ताकि सनलाइट अपने घर में आ सके, फ्रेश एयर इन हाउस और ताजा हवा भी अपने घर में आ सके। सनलाइट मेक्स अवर हाउस जर्म्स फ्री। जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, रोशनी होती है, वो हमारे घर से जर्म्स फ्री करती है, यानी कि जर्म्स को किल्ड करती है। इसलिए सनलाइट हमारे घर के लिए बहुत जरूरी है। देयर शुड बी अ प्रॉपर वेंटिलेशन टू लेट द स्मोक आउट ऑफ द किचन। और वेंटिलेशन भी घर में बहुत जरूरी होना चाहिए। इसके लिए किचन में स्मोक और किचन में धुआं होता है, उसके लिए एग्जॉस्ट फैन का यूज करते हैं। जब किचन में मम्मा खाना बनाती है तब एग्जॉस्ट फैन यूज करती है ना, ऑन करके फिर ही खाना बनाती है, ताकि पूरे घर में धुआं ना हो और वेंटिलेशन अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से हो। इसलिए एग्जॉस्ट फैन का यूज करना चाहिए किचन में जब अपन काम करते हैं तब। देयर शुड बी अ वायर मैश एंड नेटिंग ऑन द विंडो टू कीप द फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे फ्रॉम द हाउस। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? नेट का यूज करना चाहिए विंडोज पर नेट लगाने, ताकि बाहर के मक्खी मच्छर अपने घर में ना आ सके। अ हाउस शुड आल्सो हैव प्रॉपर ड्रेन सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर आउट। और अपने घर में एक प्रॉपर ड्रेन सिस्टम होना चाहिए ताकि घर का जितना भी गंदा वाटर, डर्टी वाटर है, वो बाहर इजिली जा सके, ब्लॉक ना हो, ब्लॉकेज ना होना चाहिए। ड्रेन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अ हाउस शुड हैव स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम टू कीप इट सेफ एंड सिक्योर। एक अच्छे घर में एक स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। लॉकिंग सिस्टम, आजकल नए नए तरीके के लॉकिंग सिस्टम आ रहे हैं, वो हमें यूज करने चाहिए ताकि हमारे घर में चोर ना आए, चोरी ना हो सके, इसलिए सेफ और सिक्योर रहे। क्लीनिंग ऑफ हाउस, हम अपने घर को क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं? दिस टॉपिक, We should always keep our house neat and clean. हमें हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। The floor should be properly swept and mopped with clean water daily. हमें हमारे फ्लोर को रोज पोछा लगाना चाहिए, mopped with clean water. साफ पानी से फ्लोर को साफ करना चाहिए, यानी कि पोछा लगाना चाहिए। The platform and sink of kitchen should be also washed. जो किचन का प्लेटफॉर्म है, सिंक है, उसे भी रोज वॉश करना चाहिए। द बाथरूम एंड वॉश बेसिन आर वॉश्ड विद डिसइंफेक्शंस टू किल जर्म्स। जो बाथरूम और वॉश बेसिन है उनको भी डेली वॉश करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो और सारे जो जर्म्स है वो खत्म हो जाए। ऑल द इंटीरियर शुड बी डस्टेड और क्लीन बाय वैक्यूम क्लीनर। जब भी हमें डस्टिंग करनी हो अपने हाउस में, तो हमें वैक्यूम क्लीनर का यूज करके हमारे पूरे घर में जितनी भी धूल मिट्टी है उसे साफ करना चाहिए। गार्बेज शुड बी थ्रो ओनली इन गार्बेज बिन्स। जितना भी कूड़ा करकट है उसे गार्बेज बिन्स में डालना चाहिए। दे शुड बी कैप्ट कवर्ड, और हमेशा गार्बेज बिन को कवर करके रखना चाहिए ताकि उसकी स्मेल पूरे घर में ना हो। क्लोथ्स एंड फाइबर्स, वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स
ourselves our different weather condition. हम different type के clothes पहनते हैं different weather में, अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग clothes हम wear करते हैं. We should always wear those clothes that are comfortable to wear. हमें हमेशा ऐसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हम अपने आप को बहुत easy और comfortable feel करें. ऐसे ही कपड़े हमको पहनने चाहिए. Different types of clothes are made from different materials. जितने भी clothes होते हैं वो different materials से बने होते हैं. Look at this picture, page number 53. First is cotton clothes, second woolen clothes, third is silk clothes are worn on special occasion. कुछ कपड़े हम special occasion के लिए रखते हैं और कुछ मतलब जैसे डेली वेयर के कपड़े अलग होते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं उसके कपड़े अलग होते हैं. अलग अलग तरह के डिफरेंट कपड़े होते हैं. फाइबर्स, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. जो कपड़े होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर. दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स. जो एक तो हमें नेचर से मिलते हैं और एक कुछ जो कि मैन मेड फाइबर्स होते हैं. फर्स्ट आता है नेचुरल फाइबर्स. Fibers we get from plants and animal are called natural fiber. जो फाइबर हमें पौधों से एनिमल से मिलता है उसे हम natural fibers कहते हैं. We get cotton and jute from plants and silk and wool from animals. जैसे कि हमें जो cotton और jute है वो हमें plants से मिलता है और silk and wool हमें animals से मिलते हैं. कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन से जितनी भी चीजें बनी होती है वो कॉटन प्लांट से बनी होती है. कॉटन प्लांट से हमें कॉटन का फाइबर मिलता है, उससे हम क्लोथ्स बनाते हैं. जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट. और जूट से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो जूट प्लांट से हमें मिलता है, क्योंकि जूट प्लांट से हम जूट फाइबर लेंगे और उसके बाद में जूट से बनी हुई चीजें बनाएंगे. देखो इस पिक्चर में कॉटन and jute. Page number 54. Silk is obtained from the cocoons of silkworm. जो सिल्क हमें मिलता है वो रेशम के कीड़ों से मिलता है. Wool is obtained from the body hair of animal like sheep, goat, rabbit and camel. जो wool यानी कि ऊन जो हमें किससे मिलती है, animal hair जानवरों के बालों से मिलती है. कौन से जानवर, कौन से एनिमल है जिनसे हमें वूलन इजीली मिलती है? शीप, भेड़, गॉट, रैबिट एंड कैमल. इनकी इन एनिमल के हेयर से हमें वूलन मिलती है. मोस्टली ज्यादातर शीप की हेयर से हम वूलन मटेरियल बनता है. अब आता है मैन मेड फाइबर्स. जो कि मैन मेड फाइबर्स है ये तो नेचुरल फाइबर्स थे, अब आता है मैन मेड फाइबर्स. Fiber that are manufactured by man and factories are called man-made fibers. ऐसे फाइबर जो कि फैक्ट्रीज में लोगों के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है उसे man-made fibers कहते हैं. जैसे कि नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरेलिन, ये सभी क्या है? man-made fibers हैं. Look at this picture, page number 55. Nylon shirt, then polyester raincoat, then टेरेलिन बैग्स. ये सभी क्या है? मैन मेड फाइबर्स है. ओके, थैंक यू.